आज हम बिल गेट्स की जो कोटेशंस हैं उसकी डेप्थ में चलेंगे और उनकी थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट ही इज नॉट जस्ट वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट इन द वर्ल्ड। उनका जो पहला कोट है वो है, आई चूज अ लेजी पर्सन टू डू अ हार्ड जॉब बिकॉज अ लेजी पर्सन विल फाइंड एन ईजी वे टू डू इट। अब इस कोटेशन को समझने से पहले हमको एक बात समझनी होगी कि किस स्टैंड पॉइंट से कहा जा रहा है। जब तक हम किसी भी बात के कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं और हम उस बात को एज इट इज ले लेते हैं तो हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसको लाइफ में हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हम क्या कहेंगे कि ये बात उन्होंने कही है तो ये बात सही है, ये बात सही नहीं है, ये एक पर्टिकुलर स्टैंड पॉइंट से सही है, ये बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं तो उस स्टैंड पॉइंट से ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इस बात को किसी और फील्ड में अप्लाई किया जाएगा तो ये बात गलत है। फॉर एग्जाम्पल, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसको ऑडिट करना है किसी कंपनी में जा करके, तो उस ऑडिट को करने की कुछ गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग एक ऑडिट की रिपोर्ट बनानी है। लेकिन अगर वो आदमी आलसी हुआ तो वो ढंग से ऑडिट ही नहीं करेगा, तो जो फाइनेंशियल्स में गलतियां हैं उसको वो पकड़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो बात कही जा रही है, ये कही जा रही है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल, एक तरह की एक सर्च क्वेरी है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, तो सर्च क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर वो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्च क्वेरी है तो हो सकता है कोई बंदा है उसने 1000 लाइन का कोड लिखा है। लेकिन अगर कोई आलसी आदमी होगा तो वो क्या कहेगा कि यार क्या 1000 लाइन का कोड लिखना, उसी को वो हो सकता है 10 लाइन में लिख दे। तो जितना शॉर्ट कोड होता है, जितना सिंपल होता है, उतना बेटर होता है। तो सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बिल्कुल सही है, आईटी फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बिल्कुल सही है। वो पर्सन क्या करेगा, वो एक शॉर्टकट निकाल लेगा उसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी वो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड काम को भी आसान बना देगा, शॉर्ट में कोडिंग करके काम खत्म कर देगा। कोडिंग क्या है, एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जैसे हम लोगों की अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो जो आदमी आलसी नहीं होगा वो क्या करेगा, वो बहुत सारे वर्ड्स का यूज करेगा अपनी बात को कन्वे करने के लिए। वो एक बात जो शॉर्ट में कही जा सकती है, मानो 4 लाइन में कही जा सकती है, उसके लिए वो 400 लाइन यूज करेगा, वो कई घंटे लगा देगा उस बात को कहने में। लेकिन जो बंदा आलसी होगा वो 1 लाइन कहेगा, लेकिन उस 1 लाइन में वो पूरी की पूरी बात समअप हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, जिसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसको कोडिंग बोलते हैं, उसमें ये बात 100% ठीक है, उसमें बात बिल्कुल परफेक्टली फिट होती है। तो कुछ फील्ड्स में ये बात फिट होती है, कुछ में नहीं होती है। इनफैक्ट दुनिया की हर बात ऐसी ही होती है। तो यहां से सिर्फ हमको ये नहीं सीखना है कि ये क्या कह रहे हैं, एक और बात सीखनी है कि हर बात हर जगह पे फिट नहीं होती है, चाहे वो किसी भी पर्सन ने कही हो, चाहे वो पर्सन किसी भी लेवल पे हो। हर बात का पहले स्टैंड पॉइंट समझना होता है, फिर देखना होता है कि वो बात किस एंगल से कही जा रही है, फिर उसको समझना होता है। नेक्स्ट कोट इज, इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। हम कहां पर पैदा होते हैं वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं, जब हमारे हाथ में नहीं है तो इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है। बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक, कि अगर हम गरीब मरते हैं तो वो हमारी गलती है। गलती क्या है इसके अंदर, आराम से समझते हैं, थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि इट्स योर मिस्टेक बट इसमें गलती क्या है। हो सकता है वो एक गरीब घर में पैदा हुआ और पूरी जिंदगी उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन उसके बाद भी एंड तक वो गरीब ही रहा, तो इसमें उसने गलती क्या करी, उसने तो बहुत मेहनत करी, बहुत हार्डवर्क किया, उसने कोशिश करी फिर भी वो गरीब ही रहा, तो इसमें गलती क्या थी। उसने सीखने की कोशिश नहीं करी उन लोगों से जो ऑलरेडी अमीर थे या अमीर है, कि अमीर कैसे होते हैं, बस यही एक गलती करी और कोई गलती नहीं करी। इंसान के पास में एक पावर है जो जानवरों के पास में नहीं है, वो पावर क्या है, द पावर ऑफ थॉट, द पावर ऑफ थिंकिंग, द पावर ऑफ लर्निंग, कि इंसान सीख सकता है। किससे सीख सकता है, दूसरों से सीख सकता है, दूसरों की गलतियों से भी सीख सकता है और दूसरों ने जो सही किया उससे भी सीख सकता है। तो अगर इंसान ये ही ना करे, वो सिर्फ इतना सा ना करे, यानी कि वो सीखे नहीं और खुद ही पूरी जिंदगी सिर्फ मेहनत करता रहे, ये उसकी गलती है। क्योंकि किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं, एक ये कि आप खुद गलतियां करो और उससे सीखो, जिसको आप हार्डवर्क कह सकते हो, दूसरा कि दूसरे जो गलतियां कर चुके हैं उससे आप पहले ही सीख जाओ और वो गलतियां ना करो और जो उन्होंने सही किया वो करो, तो इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। अब क्यों नहीं सीखते हैं लोग, कभी सोचा है, कभी समझने की कोशिश करी है, लोग ये क्यों नहीं सीखते कि अमीर कैसे होते हैं। नंबर 1, कहीं पर भी ये सिखाया नहीं जाता है।
अगर कोई गरीब घर में पैदा हुआ है तो उसको ये नहीं सिखाया जाएगा कि अमीर कैसे होते हैं, उसको ये सिखाया जाएगा कि गरीबी में जीते कैसे हैं, गरीबी में एडजस्ट कैसे करते हैं, गरीबी में गुजारा कैसे करते हैं। और उसको जितने भी डायलॉग सुनने को मिलेंगे सुबह से रात तक, वो सारे ऐसे ही होंगे जो इसी बात को और पक्का करते चले जाएंगे और रीइन्फोर्स करते चले जाएंगे कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। मतलब क्या कि अगर आप गरीब हो तो गरीबी में ही गुजारा करना सीखो, अपनी चादर को बड़ा मत करो, हवा में मत उड़ो, अपने पैर हमेशा जमीन पर रखो, बड़े बड़े सपने मत देखो। कोई भी आदमी अमीर या गरीब बाद में होता है बाहर की दुनिया में, पहले वो अंदर अमीर या गरीब होता है। इनफैक्ट किसी का भी आप एग्जाम्पल उठा करके देख लो जो बिल्कुल ही एक नीचे के लेवल से उठ करके पता नहीं कहां किस लेवल पे गया है। फॉर एग्जाम्पल धीरूभाई अंबानी, उनकी अगर आप स्टार्टिंग देखोगे तो बहुत ही एक छोटे लेवल से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, लेकिन उसको पता नहीं कहां का कहां ले गए। वो बाद में अमीर हुए लेकिन पहले ही अपनी सोच के लेवल पे वो अमीर थे, यानी पहले वो सोच के लेवल पर अमीर हुए बाद में बाहर अमीर हुए। ऐसा ही सबके साथ होता है, पहले हम अंदर से अमीर होते हैं बाद में बाहर अमीर होते हैं। अब अंदर से अमीर कैसे होते हैं और अंदर से गरीब कैसे होते हैं? अगर अंदर ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में जाएंगे जिसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जो थॉट्स हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो वो हमको गरीबी की तरफ ले जाएंगे। और कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जहां से आपका दिमाग खुलता है और आप कहते हो कि अच्छा ये पॉसिबल है कि ये आदमी मेरे से भी एक नीचे वाले लेवल से उठ करके इस लेवल पे पहुंच गया, इसका मतलब इसके लिए पॉसिबल है तो मेरे लिए भी पॉसिबल है। तो ये थॉट्स आपको अमीरी की तरफ ले जाते हैं एट द लेवल ऑफ योर थॉट। अब पहले आदमी यहां अमीर होता है बाद में बाहर अमीर होता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे पहले यहां गरीब होता है बाद में बाहर गरीब होता है। तो ये गलती करी उस इंसान ने, उसको सीखना चाहिए था, उसको कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक कैसे लिखी गई थी? आज से बहुत साल पहले लिखी गई थी। जो ऑथर है वो गए और जा करके मिले ऐसे बहुत सारे लोगों से जिन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में अचीव किया है, और उन सबके अंदर कुछ कॉमन ट्रेट्स को नोटिस किया, कुछ ऐसी बातें नोट करी जो हर उस इंसान में थी जो गरीब से अमीर हुआ, और वो सब जो सीखा उसको उस बुक में उतार दिया। कई साल लगे उनको ये रिसर्च करने में और ये बुक को लिखने में, और कुछ घंटे लगने थे ये बुक पढ़ने के लिए, लेकिन 99% लोग नहीं पढ़ते हैं। ये गलती उन्होंने करी, ये जो बुक नहीं पढ़ी ये गलती करी, क्योंकि वो खुद जा करके नहीं मिल सकते उन लोगों से जिन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया है, क्योंकि उनके घर के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाएगा उन लोगों को, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है। ये बात सच है, लेकिन उनकी बुक तो पढ़ सकते हैं, सोचो उस बुक से तो सीख सकते हैं। डायरेक्टली उन लोगों से नहीं मिल सकते जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, बट इनडायरेक्टली इस बुक के थ्रू तो मिल सकते हैं, उनकी थिंकिंग को समझ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि एक आदमी की थिंकिंग कैसी है, ये कि ऐसे बहुत सारे लोगों की थिंकिंग में क्या कॉमन है, वही तो समझना जरूरी है ना। एक्सेप्शंस को समझना जरूरी नहीं है। एक्सेप्शंस को समझने का मतलब क्या कि किसी आदमी की लॉटरी लग गई और वो अमीर हो गया, उसकी बात नहीं करी जा रही इस बुक में। क्या बात करी जा रही है? बिल्कुल ही एक नीचे के लेवल से शुरू किया और पता नहीं कहां पहुंच गए, ये कहा जा रहा है उस बुक में। ऐसी और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो लिखी जा चुकी है। अगर कोई आदमी इन सारी बुक्स को पढ़े तो एक बात तो पक्की है, ये पक्का नहीं है कि वो अमीर होगा या नहीं होगा, एक बात तो पक्की है कि उसकी थिंकिंग चेंज होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। अंदर से उसकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी, एंड यू कैन से दैट हाफ ऑफ द जॉब इज डन वंस द थॉट प्रोसेस इज चेंज्ड। आधा काम हो गया, अब बाकी आधा काम उसको खुद करना है। यानी सिर्फ थिंकिंग से भी तो कुछ नहीं होता है ना। ये बुक को पढ़ लिया ठीक है, थिंकिंग के लेवल पे वो पता नहीं क्या बन गया, बट प्रैक्टिकली तो एक्शंस लेने ही पड़ेंगे ना, प्रैक्टिकली रिस्क लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकली बहुत कुछ करना पड़ेगा, वो तो उसी को करना है। बट दोनों का अपना रोल है, बिना एक के दूसरा नहीं हो सकता। नॉलेज तभी काम की है जब उसको एक्शन में लाया जाए। तो सीखा तो सही लेकिन उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई नहीं किया, ये दूसरी गलती। तीसरी गलती, अप्लाई भी किया, यानी जो सीखा उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया, लेकिन जब अप्लाई किया तो नहीं सीखा कि अप्लाई कैसे करते हैं। दो चीजें सीखनी पड़ेंगी, एक थिंकिंग के लेवल पे पहले आपको अमीर होना होगा यानी पॉसिबिलिटीज को देखना होगा, दूसरा कि प्रैक्टिकली एक काम को कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको अलग तरह की बुक्स चाहिए, उसमें ये बुक काम नहीं आएगी थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक कहां पर काम आएगी? आपकी थिंकिंग को एक्सपैंड करने के लिए, कि अभी जो आपकी थिंकिंग में ये बैठा हुआ है बचपन से, जैसे एनवायरमेंट में आप बड़े हुए हो,
कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कि आपकी थिंकिंग में ये आने लग जाएगा कि नहीं, जब इतने लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, आपके अंदर से ये आने लग जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, जो करना है वो सीखना तो पड़ेगा ना। तो अब अगर प्रैक्टिकली आपको कोई काम करना है तो उसके लिए अलग तरह की बुक्स है। जैसे थिंक एंड ग्रो रिच आपको मार्केटिंग नहीं सिखाएगी कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, अरे तो मार्केटिंग तो सीखो, मार्केटिंग के लिए एक अलग बुक है, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर फॉर एग्जांपल, और ऐसी मार्केटिंग के ऊपर और बहुत सारी बुक्स हैं। तो मार्केटिंग को अलग से सीखना पड़ेगा कि अगर आपने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट बना भी लिया या कोई बहुत अच्छी सर्विस आप दे भी रहे हो लेकिन किसी को पता ही नहीं है तो क्या होगा, कोई वो प्रोडक्ट नहीं लेगा, फिर आप कहोगे मेरा बिजनेस फेल हो गया, अरे तो मार्केटिंग तो सीखो। और लोगों को क्या लगता है कि अगर हमको मार्केटिंग सीखनी है तो हमको जाकर के MBA करना पड़ेगा मार्केटिंग में, तभी हम मार्केटिंग सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी बुक्स हैं वहां से हम खुद पढ़ करके सीख सकते हैं, कितना डीपली आप सीख सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो कोटेशन में कहा जा रहा है इसमें तीन तरह की गलतियां हो गई, पहली गलती कि सीखना ही नहीं, दूसरी गलती कि सीखना लेकिन कभी भी एक्शन नहीं लेना, तीसरी गलती एक्शन तो लेना लेकिन वो एक्शन गलत डायरेक्शन में है, बिना सीखे एक्शन लेना या जिस फील्ड में आप एक्शन ले रहे हो उस फील्ड को बारीकी से ना समझना, ये गलती हो गई। नेक्स्ट कोट इज, एज वी लुक अहेड इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी लीडर्स विल बी दोज हु एम्पावर अदर्स। क्यों कहा जा रहा है ये? बिकॉज अब हम इंफॉर्मेशन एज में एंटर कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन एज इज ऑल अबाउट एम्पावरिंग अदर्स इन वन वे और द अदर। ध्यान से देख लो जो भी मार्केट लीडर्स हैं आज की डेट में वर्ल्ड वाइड, वो क्या कर रहे हैं? वो दूसरों को एम्पावर कर रहे हैं। वॉट इज गूगल डूइंग? गूगल इज एम्पावरिंग यू। हम जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे वहां पर वो सर्च कर सकते हैं। तो गूगल ने क्या किया, हमको एम्पावर कर दिया कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कहीं भी बैठे बैठे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। ये मोबाइल फोन क्या कर रहा है, स्मार्टफोन क्या कर रहा है, हमको एम्पावर कर रहा है। सोशल मीडिया क्या कर रहा है, हमको एम्पावर कर रहा है कि हम ऑनलाइन सबसे कनेक्ट कर सकते हैं, पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया ने क्या किया है, हर एक के हाथ में पावर दे दी है। कोई भी अब बैठे बैठे कहीं से भी मोबाइल में कुछ भी रिकॉर्ड करके अपनी बात को कह सकता है पूरी दुनिया से। तो एक वे में क्या किया सोशल मीडिया ने, एम्पावर कर दिया हर इंडिविजुअल को, सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स को नहीं। आज से 100 साल पीछे अगर हम चले जाएं तो लीडर का मतलब क्या था, जिसके पास में पावर हो, और सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में वो पावर थी, बाकी लोग पावरलेस थे। आज हर एक के हाथ में पावर है, हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, तो कोई भी अपनी बात कह सकता है, और अगर उस बात में दम है तो वो बात पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है, और पहुंच ही रही है, बहुत लोगों की बात है। तो हुआ क्या है, एक इंडिविजुअल एम्पावर्ड हो गया है। आज सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोग नहीं जिनके हाथ में पावर हो, हर एक के हाथ में पावर है। तो इस इंफॉर्मेशन एज में क्या किया जा रहा है, एम्पावर किया जा रहा है लोगों को। पहले के टाइम में क्या होता था कि ये कंपनी है, अब आप अपने आप को बदलो अगर आपको उसके प्रोडक्ट को यूज करना है तो। ये थी इंडस्ट्रियल एज कि ये हमने गाड़ी बना दी, अगर आप इस गाड़ी को चलाना चाहते हो तो अपने आप को चेंज करो इस गाड़ी के अकॉर्डिंग। वो गाड़ी को उस पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे। बट फ्यूचर क्या है, सब कुछ आपके हिसाब से होगा, एक इंडिविजुअल के हिसाब से होगा। नाउ इंडिविजुअल इज एट द सेंटर, और उस इंडिविजुअल के हिसाब से सब कुछ कस्टमाइज किया जा रहा है। इसको इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं। ध्यान से समझो, हम गूगल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, गूगल हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है। जो हमें चाहिए गूगल वो दे रहा है, और किसे चाहिए, हर इंसान को अलग अलग चाहिए, तो हर इंसान को अलग अलग चीजें दे रहा है गूगल, चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई भी हो। इट्स ऑल अबाउट एम्पावरिंग एन इंडिविजुअल, अ पर्सन। यानी अब जो अगले 100 साल होंगे उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, कि मेरा जो प्रोडक्ट है जो मास कंजम्पशन के लिए है, क्या मैं उसको कस्टमाइज कर सकता हूं इंडिविजुअल्स के अकॉर्डिंग या रीजन्स के अकॉर्डिंग। ये अब आने वाला टाइम है। अमेज़न जो इतना सक्सेसफुल हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है, और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में क्यों हुआ, उसने यही किया जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूं। उसने कस्टमर से पूछा आपको क्या चाहिए, कस्टमर ने कहा मुझे तो सेम डे डिलीवरी चाहिए। अब अगर अमेज़न चाहता तो ये भी बोल सकता था कि सेम डे तो पॉसिबल ही नहीं है, एक दो लोग होते तो मैं डिलीवर कर देता, ये तो लाखों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोगों को मैं सेम डे डिलीवरी कैसे कर सकता हूं। बट अमेज़न ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पूरी तरीके से बदल दिया, बेस्ड अपॉन के इंडिविजुअल्स को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए।
कस्टमर ने कहा सेम डे डिलीवरी, उसने कहा लो जी सेम डे डिलीवरी। अगर दूसरे वे में देखा जाए तो उसने क्या किया, उसने एम्पावर कर दिया कस्टमर्स को। तो फ्यूचर में क्या होगा, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर पर्सनल। फ्यूचर में सब कुछ पर्सनलाइज्ड होगा, आपको क्या चाहिए आप बताओ, वो आपको मिलेगा। सिर्फ सर्विसेज में नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन में नहीं, यहां तक कि प्रोडक्ट्स में भी सब कुछ कस्टमाइज हो जाएगा फ्यूचर में। जैसे फॉर एग्जांपल आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो आज क्या होता है, आज उसकी एक कैटलॉग होती है जिसमें कुछ कलर के ऑप्शंस होते हैं कि ये 10 कलर के ऑप्शंस है, आप बताओ आपको इसमें से कौन सा चाहिए। ये आज हो रहा है, लेकिन आने वाले 100 साल बाद ऐसा नहीं होगा। 100 साल बाद क्या होगा या 50 साल बाद भी क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा बताओ आपको क्या चाहिए, ये लाखों ऑप्शंस है कलर्स के, आप चूज कर लो ऑनलाइन, अपना एक कलर बना लो और वो कलर की गाड़ी आपको मिलेगी। मतलब कि आपकी गाड़ी ऐसी होगी जो और किसी की नहीं होगी, यही तो सारा खेल है। और है क्या आपकी गाड़ी, मतलब क्या सिर्फ आपकी गाड़ी नहीं, आपकी आइडेंटिटी। इट्स नॉट योर कार, इट्स यू। जैसे आपके हाथ में टैटू है वैसे ही आपकी एक गाड़ी है, वो गाड़ी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपको रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब आपको रिप्रेजेंट कर रही है तो वो कलर क्यों नहीं जो आपको चाहिए। तो अगर इस तरह से कोई कंपनी सोचने लग जाए तो उसको मार्केट लीडर बनने में कितनी देर लगेगी, सोचो। तो आने वाले 100 साल बाद ऐसे ही होंगे मार्केट लीडर्स जो इस तरह से सोच रहे होंगे जिस तरह से अभी हम सोच रहे हैं।